अब हम बात करते हैं अगले मैच की। संडे को ये T20 मैच हो रहा है और संडे को एक इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का भी मैच हो रहा है सिडनी में, वो है लाल बॉल वाला मैच। अब देखिए लाल बॉल से, और ये ओवरलैप काफी है दोनों टीमों में, ओवरलैप बहुत है, कुछ 8 या 9 खिलाड़ी, शायद 10 खिलाड़ी हैं ओवरलैपिंग जो है, वो भी लाल गेंद से काफी समय से नहीं खेले। तो अब आशु क्या करेंगे, क्या आप कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को, जैसे कि आपके गेंदबाज हो गए, जैसे कि केएल राहुल, जैसे कि विराट कोहली, क्या करेंगे आप इनको, इनको भेजेंगे उस तरफ कि इनको आप रखेंगे यहाँ पर, लाल के सफेद, सफेद सफेद सफेद, देखिए जी सफेद आप श्रृंखला जितना बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके बाद प्रैक्टिस मैच एक और है, करेक्ट। और यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं ना, चाहे आप मोहम्मद शामी की बात कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल आपने एक नाम लिया, ये सब एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। तो आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है, पहले आप उस पर ध्यान लगाइए कि आप पहला मुकाबला जीत चुके हैं, आपके पास मौका है श्रृंखला जीतने का। इस साल T20 वर्ल्ड कप भी है और ये सब तो जो सर्टन प्लेयर्स हैं ये तो खेलेंगे, और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी सर्टन प्लेयर होने चाहिए क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए जी। जैसे आप बात करते हैं ना कि अगर वहां पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा, उसके फिर आप एक दो नए खिलाड़ी खिलाते हैं तो उनका मनोबल भी ऊपर होता है। अगर आप विराट, केएल राहुल को नहीं खिलाएंगे तो विराट कोहली खेलेंगे, क्योंकि एक कप्तान है, उप कप्तान है। तो अभी T20 जो श्रृंखला उस पर ही नजर डालिए, थोड़े मोट बदलाव इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज शामी को रन चले गए हैं, हमने देखा कि आज जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराया गया, अगर आपने अगले मैच में जसप्रीत बुमराह को खिलाना है, शामी को आप रेस्ट करा दीजिए, क्योंकि दीपक चहर और नटराजन रेड बॉल क्रिकेट में नहीं है, प्रैक्टिस मैच है, उसके लिए मैं रखूंगा बुमराह को, शामी को। यहाँ पर कौन खेलेंगे, उमेश यादव, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज। अब शायद ये तीनों का खेलने का फर्स्ट टेस्ट मैच में चांस, इन तीन में से सिर्फ एक खेल सकता है, तो इनको तो मैं दोनों मैचेस खिलाऊंगा कि चलिए आप दोनों खेलिए, और जो बेहतर कर रहा होगा, जो बेहतर फॉर्म में नजर आएगा, उसको मैं फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट करूंगा। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, पृथ्वी शॉ, ये आपकी बैटिंग लाइनअप हो गई। अब रिद्धिमान साहा क्या पूरी तरह से फिट हो गए हैं, ये एक देखना पड़ेगा, वरना ऋषभ पंत जो है वो दस्ताने पहन लेंगे और वो प्लेस को थोड़ा सा गर्म करके रखें, क्योंकि रिद्धिमान साहा एट दिस पॉइंट इन टाइम वो लग रहा है कि शायद उस रेस में थोड़ा सा आगे की तरफ भाग रहे हैं। पर यहां से मैं और एक्चुअली वो अश्विन भी तो वही है, अश्विन भी गेंदबाजी वहां करेंगे, जाके वहां गेंदबाजी करेंगे तो 11 लोग तो वहां खेल जाएंगे। पर एक और बात होती है, सॉरी, एक और जाएगा आकाश, एक और बात भी होती है कि ये जो प्रैक्टिस मैच होते हैं उसमें 11 नहीं 22 भी खेल सकते हैं ना, तो अगर सेकंड वाला मैच आप जीत जाओ 6 तारीख वाला, तो फिर 7 तारीख को वहां पे भेज देना बाकी सबको, और उन बच्चों को वापस बुलाने ना होगा, तुम ये वाला खेल लो 8 तारीख का। नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास देखिए खिलाड़ी इतने सारे हैं कि आपको ऐसी भगदड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप दूसरे T20 पे फोकस करिए, उसको जीत के फिर वो डेड रबर है उसमें भेज देना ना उनको, क्योंकि देखो नहीं अशु टेस्ट सीरीज जीतनी है मेरे को, आप जो भी कर रहे हो टेस्ट सीरीज मुझे जीतनी है, नहीं आपको अकेले को नहीं, सबको जीतनी है टेस्ट सीरीज। अगर आप विराट कोहली को चॉइस दें कि आप टेस्ट सीरीज यहाँ पे जीतेंगे और वनडे और T20 हारेंगे, तो आप एक सेकंड भी सोचेंगे नहीं, नो ब्रेनर है वो, तो वो कहेंगे अच्छा जी हम तो टेस्ट सीरीज जीतने जाते हैं, पर इतनी भगदड़ करने की जरूरत नहीं। ये चीज देख के मुझे अच्छा लगा कि आपका जो लास्ट T20 है उसके और पहले टेस्ट मैच के बीच में ना आप 2 प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, चाहे आप 2 डे प्रैक्टिस मैच क्यों ना खेलें। देखिए बतौर गेंदबाज अगर मैं T20 मुकाबले खेल रहा हूं, और सोचिए मैंने अभी अगला मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाए खुदा ना खास्ता, आप आखिरी मैच तक बुमराह को खिला रहे हैं, अपनी जो बेस्ट 11 आपने वो खिलाई है, उसके बाद अगर मुझे 2 दिन का गैप मिलेगा, 3 दिन का गैप मिलेगा, तो मैंने वैसे ही प्रैक्टिस में ओवर्स करने, तो मेरे को अगर वो नेट में ओवर्स डालने से बेटर, चाहे मैं दिन में 12 ओवर डालूं, अगर सेंटर विकेट पे मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे लिए कहीं बेहतर होगा। तो वो चीज देख के अच्छा लगा कि आपने वो प्लानिंग बेटर करी है जी। और तो यही अगर आप आकाश, अब ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक बैलेंस ऑफ द टीम, कि अब रविंद्र जडेजा अवेलेबल होंगे या नहीं, क्योंकि एक एक कंकशन से भी वापस आने में एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको टेस्टिंग करानी पड़ती है, स्कैन कराना पड़ता है, ये सब, तो अगर वो ना अवेलेबल हो अगले मैच के लिए, तो फिर ये एक और जो बैलेंस का प्रॉब्लम है ये फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ये प्रिय प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए अभी तो ये हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअली आप सब एक बबल में हैं, 35-40 लोग इकट्ठे वहां पर हैं, तो अगर जाडेजा उपलब्ध नहीं है तो कहानी बदलेगी, 100% बदलेगी, तो वॉशिंगटन सुंदर का जो बैटिंग ऑर्डर वो बदल जाएगा। आप एक स्पिनर को और ढूंढना चाहेंगे शायद, तो कुलदीप यादव वही पड़ोस में है अभी, तो उनको आप मत भेजिए, उनको रोक लीजिए, उनको खिला लीजिए, ऐसी भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पूरे बोलर तो खिलाने पड़ेंगे, अभी तक आप सिर्फ 5 गेंदबाजों के विकल्प के साथ उतर रहे थे, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंकशन, उनके हैमस्ट्रिंग का भी इशू है, मतलब वो विजिबल इशू था, तो अगर वो इशू है उसको आप एग्रीवेट नहीं करने देना चाहते, और हैमस्ट्रिंग इज अ वेरी ट्रिकी टॉपिक, बहुत टची टॉपिक है इस समय भारतीय क्रिकेट के अंदर, तो हैमस्ट्रिंग के साथ हम कभी भी पंगा नहीं लेते, तो इस वजह से मैं बड़े ध्यान से बात करूंगा कि आप जो कुलदीप यादव वहां पे आप उनको रोक लीजिए, उनको आप मैच खिला लीजिए। 3 स्पिनर तो मुझे लगता है वैसे सिडनी का, देखते हैं पिच कैसा है,
पर बॉलर पूरे खिलाए, अगर 5 गेंदबाजों के साथ आप नहीं उतर रहे तो फिर समस्या हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जरूर कहेगी कि यार एक बल्लेबाज तो और लेना पड़ेगा हमको। आशु देखिए, बल्लेबाज से ज्यादा जैसे आकाश ने पहले कहा कि अभी डार्सी शॉट है, मैथ्यू वेड है, खराब शॉट जरूर उन्होंने मारा, उनको भी थोड़ा समय चाहिए। पर हाँ, आपके पास अभी 7 गेंदबाज है, 8वें गेंदबाजी के विकल्प ग्लेन मैक्सवेल थे और लबुशान बाहर बैठे हैं, तो क्या आप लबुशान को खिलाएंगे तो किसकी जगह खिलाएंगे? तो वो तो अभी ऑस्ट्रेलिया की भी सेम चीज है कि अब तो तीर निकल गया है कि आपने जो पहला मुकाबला है उसमें इतने खिलाड़ी खिलाए हैं तो आप उनको ही मौका दें। और देखिए यहाँ पे आपने लबुशान को ओपन भी कराई थी तीसरे मुकाबले में, तो अगर आप उनको खिलाते तो डार्सी शॉट बाहर बैठते। तो अभी जो टीम है एक एक मुकाबले में आप चेंज ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मैं तो मेरी तो ये सोच है कि नंबर 6 पे जैसे मॉजिस ऑनरिक्स है, उन्होंने आईपीएल में नंबर 3 भी बल्लेबाजी करी, आज भी जौहर अपने दिखा के गए हैं, तो कभी कभार 7वां बल्लेबाज भी वो काम नहीं कर सकता कि जो 6 ने नहीं किया, अनलेस कि आप गेंदबाजी भी करते हैं तो बात अलग है। इनके पास गेंदबाजी के विकल्प बहुत है, तो आपने मानस लबुशान को छोड़ दिया, पर अब एक बार छोड़ दिया तो ज्यादा भगदड़ ना मचाए, आप सेम गेंदबाजी के साथ जाए, आप सेम टीम के साथ जाए। एक बदलाव एक्चुअली मैं फिर भी कहूंगा, हालांकि आई टोटली एग्री, नहीं वो स्वेप्सन की जगह, स्वेप्सन की जगह यू हैव टू बी एश्विन, किसी भी बॉलर का बॉल ऐसा लंबा चौड़ा टर्न नहीं हो रहा था, और बड़े मैदान पे अगर आप हैं और थोड़ा सा हिट द डेक हार्ड वाले बॉलर हैं आप, काम चल सकता है। अगर स्टॉइनिस अवेलेबल है तो आप स्टॉइनिस और मोजिस दोनों को इकट्ठे खिला सकते हैं, वरना स्वेप्सन को मैं खेलते हुए नहीं देख रहा हूँ संडे को। लेट्स बी फेयर, मुझे लगता है कि स्वेप्सन मैच नहीं खेलेंगे, उनकी जगह कोई भी खेले पर स्वेप्सन शायद नहीं। ओके, तो भाई आप भी अपनी टीम बनाइए जरूर, my11circle.com पर जाकर ऐप को डाउनलोड करिए, उसके बाद 11 खिलाड़ी चुनिए और टीम की सबमिशन कर दीजिए दूसरे मैच के शुरू होने से पहले। जी तो भाई ये है संडे को, दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय 3 मैच की सीरीज है। संडे को 1:10 पर हम आपके साथ हाजिर होंगे यहीं क्रिक बस पर।